नमस्कार, स्वागत है आपका आज टुडे की विशेष रिपोर्ट में। मैं मीनाक्षी आपको लेके आई हूँ हमीरपुर बाजार में। आपको आज बताऊंगी कि हमीरपुर में सर्दियों के लिए क्या स्पेशल लेडीज और जेंट्स के लिए आया है। इस वक्त हम रेडीमेड गारमेंट में हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि सर्दियों के लिए क्या स्पेशल इस बार लेडीज के लिए लेके आए हैं। आप बताएंगे कि इस बार सर्दियों का सीजन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, आज मौसम ने भी करवट बदल ली है, तो सर्दियों के लिए क्या स्पेशल लेके आए हैं लेडीज के लिए? मैं हमारे पास लेडीज के लिए स्पेशल स्वेटर वगैरह आए हैं बहुत बड़ी, इसमें लॉन्ग शॉर्ट सारी और कुर्ते, लेडीज कुर्ते आए हुए हैं बुलन में, और लेडीज टॉप वगैरह हैं, स्लैक्स वगैरह भी थर्मल वगैरह हैं, और किड्स सिलेक्शन में बच्चों की स्वेट शर्ट वगैरह हैं, जैकेट्स वगैरह हैं, स्वेटर वगैरह हैं, और सूट वगैरह बुलन सारे बुलन कॉटन सारे मिल जाएंगे उसमें। क्या इस बार अलग है थोड़ा? अलग तो कुछ खास ऐसे होते हैं सेम, जैसे वैरायटी चेंज होती रहती है। इस बार थोड़ी फैंसी इसमें आए हैं बच्चों का भी लेडीज का भी, और स्पेशल पॉन्चो वो आया इस बार स्पेशल जो होते हैं। इस अभी तक जो है वो कितना रिस्पांस आपको सर्दियों का जो है वो लोगों से मिला है कि सर्दियों के कपड़े लोग खरीद रहे हैं? मैम ठीक चला हुआ है, ठीक रिस्पॉन्स मिल रहा है जी। क्या डिमांड ज्यादा कर रही है लेडीज की, इस तरह की वैरायटी जो है हमें ज्यादा चाहिए? लेडीज बुलन जो टॉप हैं, बुलन कुर्ते और बुलन स्वेटर वगैरह जो उनकी ज्यादा डिमांड है। आप बताएंगे कि इस बार आपकी शॉप में जो है वो सर्दियों के लिए क्या स्पेशल आया है? लड़कियों के लिए आई हैं कुर्ते आई हैं, स्लैक्स आई है, प्लाजो आए हैं, स्वेटर आई है, फिर इसके अलावा जैकेट आई है, फिर स्टॉल आए हैं, मफलर हैं। क्या डिमांड जो है वो लड़कियाँ ज्यादा कर रही हैं इस बार सर्दियों में? स्वेटर, टॉप, मफलर। कुछ अलग है जो पहले से अलग हो, पिछली सर्दियों के मुकाबले इस बार कुछ अलग आया हो? अलग पॉन्चो आए हैं। कितने पसंद आ रहे हैं लोगों को? बहुत ज्यादा। हमीरपुर शहर में कुल्लू वालों द्वारा जो है वो सेल व प्रदर्शनी व बिक्री लगाई गई है, आइए देखते हैं कि उनके पास कुल्लू से क्या स्पेशल वो हमीरपुर के लोगों के लिए इस बार सर्दियों के लिए लेके आए हैं। हमारे साथ दुकान में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या इस बार कुल्लू से वो स्पेशल हमारे लिए लेके आए हैं, हमीरपुर के लोगों के लिए लेके आए हैं। मैम आप बताएंगे कि आप कुल्लू से आते हैं हर साल, यहाँ के लिए स्पेशल लोगों के लिए कुल्लू से सामान लेके आते हैं, गर्म कपड़े लेके आते हैं, इस बार क्या लाए हैं? इस बार मैम हाफ जैकेट लाए हैं, लेडीज का स्पेशल है, नई नई वैरायटी है उसमें, जैसे इस टाइप का है, एक लॉन्ग जैकेट आया हुआ है, उसमें भी मतलब दो तीन प्रकार के कलर्स आए हुए हैं, बाकी और चीजें भी हैं, शॉल स्टॉल्स वगैरह, बुलन सूट है, जैकेट है फुल साइज पे। कुल्लू की अगर बात की जाए तो कुल्लू की जैकेट या कोट की बात की जाए तो लोगों को बहुत पसंद आता है जी मैम। क्या किस तरह से बनाते हैं उसको, क्या खास होता है उसमें? मैम उसमें जैसे हम प्योर ऊन का बनाते हैं, शीप वूल का, पहले उसमें कपड़ा तैयार किया जाता है खड्डी में, उसके बाद फिनिशिंग होगी, उसके बाद उसकी स्टिचिंग होगी, उसको जैसे मार्केट में हम निकालते हैं उसको जी। ये हाथों से बनाया जाता है या मशीन है? जी पूरा हाथ से बनता हुआ मैम। यहाँ पे हमीरपुर में कितना पसंद आ रहे हैं लोगों को कुल्लू की जैकेट? काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं मैम, अभी लोगों की स्पेशल डिमांड हो रही है इसमें, मतलब ऑर्डर दे रहे हैं लोग लाने के लिए। हाँ जी। कितने सालों से आप हमीरपुर में जो है वो कुल्लू की वैरायटीज जो है वो लेके आते हैं और यहाँ पे लोगों को जो है देते हैं? मैम मैं 2014 से आ रही हूँ यहाँ पे। हाँ जी। किस तरह का रिस्पॉन्स है? काफी अच्छा रिस्पॉन्स है मैम। इस बार जो है वो अभी सर्दियां जो है वो स्टार्ट होने वाली हैं, आज मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है, तो क्या लगता है कि इस बार कैसा रहेगा सीजन? बहुत अच्छा रहेगा मैम, जिस वजह से लोगों की डिमांड है तो काफी अच्छा रहेगा यहाँ पे। शुरुआती तौर कैसा है? बहुत अच्छा है मैम शुरुआती तौर भी जी। क्या वैरायटी जो है इस बार कुल्लू से स्पेशल लेके आए हैं हमीरपुर के लोगों के लिए? स्पेशल तो बहुत सारी वैरायटियां हैं, जैसे कैप्स आई हैं, नई कैप्स वगैरह बनाई है हमने, जैकेट है, कोट लाए हैं, शॉले हैं, नई नई शॉले के डिजाइन लाए हैं इस बार। क्या पसंद ज्यादा पसंद जो है वो लोगों को आ रहा है इस बार? ज्यादा तो जैकेट पसंद कर रहे हैं, बाकी कैपें ज्यादातर, शॉल हैं उतनी ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं, बाकी लॉन्ग कोट वगैरह। अगर वैरायटी की बात की जाए तो किस तरह की वैरायटी उपलब्ध है? वैरायटी हर प्रकार की उपलब्ध है हमारे पास, जो मर्जी चाहे, जैसे कैप्स लेकर सॉक्स से लेकर सारे आइटम है। माना जाता है कि कुल्लू की चीज जो है वो फेमस तो होती है, साथ में लोगों में ये भी बात है कि कुल्लू की जो चीजें होती हैं वो महंगी होती हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? क्योंकि हाथ की बनी चीजें होती है ना, जो बनी होती है महंगी तो होगी होगी, क्योंकि बनाने के लिए स्मेल लगता है, तब जाके थोड़ा सा कॉस्टली होता है। जो भी है वो जैसे शॉल है, जैकेट है, ये सारी हाथ से बनाई जाती है? हाथ से बनाई जाती है सारी, तो पहले कपड़ा जैसे तैयार करने में टाइम लगता है ना, तो फिनिशिंग में टाइम लगेगा, फिर उस तरह से थोड़ा सा कॉस्टली आ जाता है हमारा जो प्रोडक्ट होता है। एक जैकेट बनानी हो तो उसके लिए कितने दिन लग जाते हैं?
एक जैकेट को बनाने के लिए पहले जैसे कपड़ा तैयार करना होता है तो लगभग समझो आप 3 दिन में एक जैकेट तैयार होगा। किस कीमत पे जो है फिर आप इसको मार्केट में बेचते हैं? मार्केट में जैसे हमारे पास इस टाइम है 1000 रुपए का है, 800 का भी है, 500 का भी है, मतलब आइटम जैसे कि मटेरियल के हिसाब से होगा, जिस हिसाब से मटेरियल होगा जी, क्वालिटी वाइज होगा। तो इस बार किस तरह का रिस्पांस सर्दियों में लोगों का आपको मिल रहा है? रिस्पांस बहुत अच्छा है, अभी तो सर्दी शुरू हुई है, बाकी आगे देखते हैं क्या क्या मिलता है। सीजन की क्या उम्मीद है इस बार? सीजन की बहुत अच्छी उम्मीद है वैसे तो। सर्दियों की शुरुआत हो गई है, आज मौसम ने जो है वो करवट बदल ली है, तो ठंड ज्यादा जो है प्रदेश में बढ़ गई है, तो इस बार हमीरपुर में हमीरपुर के लोगों के लिए सर्दियों के लिए क्या लेके आए हैं आप? इस बार हमारे पास सर्दियों के लिए लेटेस्ट वैरायटी है, बच्चों का लेडीज बुलन कुर्ती है, बुलन स्टॉल्स, पोंचू, हर जो नई लॉन्ग वन पीस जो है बुलन में, हर वैरायटी है लेटेस्ट जो है। बुलन में जैसे थोड़ी सी सर्दी, हल्की सी आज सर्दी हुई है, अच्छी सर्दी हुई है, तो लोग बुलन कपड़े लेना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, जैसे बुलन कुर्ती हो गई, स्टॉल्स हो गए, वो ज़्यादा सेल हो रहे हैं। पहले कैसा रिस्पांस रहा है? अभी तक सर्दी का आगमन ही हुआ है, तो सर्दियों के कपड़ों के लिए किस तरह से रिस्पांस रहा है अब तक? इससे पहले तो कम था, लेकिन पिछले कल से ठंड ज्यादा होने की वजह से काफी अच्छा रिस्पांस। इस बार किस क्वालिटी के जो हैं वो बुलन के और गर्म कपड़े जो हैं वो आप लोगों को उपलब्ध करवा रहे हैं, साथ ही किस रेंज के हैं? हमारे पास जो है बुलन कुर्ती जो है वो 500 रुपए से लेके 3000 रुपए तक की रेंज है, और जिसमें अच्छे अच्छे नामी ब्रांड्स हमारे पास उपलब्ध हैं। अगर लड़कियों की बात की जाए तो लड़कियों के लिए क्या स्पेशल है? बहुत ही अच्छे सुंदर टॉप आप देख सकते हैं मेरे पास, बहुत ही अच्छे जीन्स के साथ पहनने के लिए अच्छी अच्छी क्वालिटी के टॉप उपलब्ध हैं। और जेंट्स की बात की जाए तो जेंट्स के लिए? जेंट्स के लिए जैसे जैकेट्स हो गई, स्वेटशर्ट्स हो गई, स्वेटर्स हो गई, सब कुछ है। शुक्रिया आपने हमसे बात की उसके लिए। जैसे कि आपने देखा कि हमीरपुर शहर में हमने आपको सर्दियों के कपड़ों के बारे में बताया कि किस किस तरह की वैरायटी जो है वो हमीरपुर में लोगों के लिए उपलब्ध है, साथ ही हमने आपको कुल्लू की प्रदर्शनी व बिक्री के बारे में बताया कि कुल्लू से लोग जो है वो स्पेशल इस बार सर्दियों के लिए स्टॉल, जैकेट वगैरह लेके आए हैं, साथ ही आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर सुंदर कैप भी जो है लाई गई है। कैमरामैन सुमित के साथ मीनाक्षी, S24 न्यूज़ हमीरपुर।